गाइस, वेलकम बैक टू सुष्मिता'स फैशन चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये वाला व्लॉग उसी दिन से ही है जिस दिन हम लोग होम सेंटर गए थे। ये हम हैं पैसिफिक मॉल सेक्टर 21 द्वारका में। तो यहीं से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था, फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी होम सेंटर की तरफ। तो ये मॉल थोड़ा स्पेशियस है, काफ़ी सुंदर मॉल है। मोस्टली सारे आउटलेट्स हैं और यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल्स, कमिंग अपकमिंग फेस्टिवल्स की वजह से। तो चलिए होम सेंटर चलते हैं। पहले मैं आपको होम सेंटर का एक छोटा सा टूर देती हूँ और दिखाती हूँ उसके अंदर क्या क्या सारा सामान आया है लेटेस्ट। तो चलिए Let's go. पूरा एकदम अच्छा डिस्काउंट देखने में है। देखने में सुंदर लग रहा है ना, एकदम लगा दो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कितने का है आफ्टर डिस्काउंट? डिस्काउंट नहीं है, इसलिए फ्रेश है, ये फ्रेश पीस। अच्छा ये अच्छा। कितना सुंदर है ना ये आपकी थाली, बट स्टील का है, है ना? और ये देखिए गणपति जी। अच्छा स्टॉप आया ना अभिषेक, हाँ स्वैन ना। कितना सुंदर लग रहा है ना, इसका रेट है 499। होम सेंटर में ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। इसमें एक ग्रीन कलर भी है और ये है वो ट्रेलिंग वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। Why are you still so needy? You're in over your head. Phone is ringing, always at a bad time. Every time you flash your name. सिर्फ मैं ही एक्साइटेड नहीं थी होम सेंटर के सेल में, कोई और भी इतना एक्साइटेड है ना कि इतना ज़्यादा ये वाला पसंद आया है काउंटर टॉप पे रखने के लिए। ये ऐसा कुछ दिख रहा है बट ये 3000 का है, इसका कोई डिस्काउंट नहीं है। 3000 के हिसाब से ना अभी शायद एक्सपेंसिव है। फाइनली हमने ले लिया है होम सेंटर से थोड़ा बहुत सामान। पैकिंग चल रहा है, पैकिंग कर रहा है और अमायरा खा रही है चिप्स। Always leaving, then you got me chasing, you like I'm the one. So finally अभिषेक ने कर ली है शॉपिंग, मन की इच्छा पूरी कर ली। मन की इच्छा पूरी हो गई, सेल में से खरीद लिया। सेल में खरीदा, कुछ तो छोड़ा नहीं। सेल नहीं छोड़ेंगे, है ना? सेल तो नहीं छोड़ेंगे, सेल तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो लेके तो जाएंगे, चाहे एक पौधा ही सही। बोलेंगे हमने सेल से लिया है। चलो चला जाए। फाइनली फंकी आइलैंड खुल गया है ना। चलो पूरे दो साल बाद ये खुला है, डेढ़ साल बाद, मतलब जब से लॉकडाउन लगा था तब से अब खुला है। बहुत अच्छा है यहाँ ना बच्चों का खेलने वाला। हाँ ज़्यादा रश नहीं है, ठीक है, मतलब सब डिस्टेंस मेंटेन कर करके सब खेल रहे हैं।
within a matter of time. First you were so easy. Abhishek ki cutting chai. Abhishek ki cutting chai famous ho gayi. अदरक वाली चाय है, अदरक वाली चाय। चाय के साथ ना भी टाइम आ रही है, ऑन द वे। थोड़ा लेट हो गए, चाय चाहिए था इसलिए जल्दी ले। और इस पे ना ये मिट्टी वाला कप है ना, फटाफट ठंडी हो रही है चाय। वाह, अभी टाय टाय की वेट हो रही है, टाय ना अच्छा बनाया। Even now I can't even get through to your mind. You don't wanna listen. I know everything about you. So Abhishek ne order kiya hai sev puri aur mera order hai pav bhaji. Bahut time ho gaya pav bhaji nahi khaya hai na Abhishek? Yes. Pav bhaji bahut man kar raha tha khane ka. Pehle kitna khati thi main, ab to bahut kam ho gaya khana pav bhaji. Maida hota hai na isliye khana nahi hota ye. Ore wah. Tasty hai. Bahut tasty hai. कैसा है? Awesome ना? बस। भाजी तो बहुत टेस्टी। ये देखो, रात को इतना फूल निकला हुआ है, देखो बड़े बड़े। रात को वो तो दिन में भी फूले, फूल तो खिले ही होते हैं रात को और दिन। तो रात को थोड़ी खिले हैं, वो तो दिन में ही खिल गए थे। ह्यूमिडिटी है बाहर, ह्यूमिडिटी अंदर से आया ना एसी से ऑन। पता नहीं। बहुत मजा आया अभिषेक ना, पता है क्या कर रहे हैं? कोई भी कपल या कोई भी फैमिली फोटो खींच रही है ना, ऐसे ऐसे करके ये ना, हाँ देखो सब कैसे स्माइल कर रही। वो जो लोग फोटो खींच रहे हैं ना, वो कॉन्शियस हो रहे हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं। सही बात है, चलिए बड़ा मजा आया। हाँ, 8 बजे हमारा कहाँ है, हमारा पीछे खड़ी है, हमारा फूल सुन रही है, फ्लावर सुन रही है। यस, चलिए चलो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, अपनी गड्डी की तरफ, गड्डी। और बाहर ना ह्यूमिडिटी नहीं, बाहर मौसम वैसे ठीक है। हाँ, हम आए हैं ना एसी के, तो जाके। और ये यहाँ पीछे ही है, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा ना प्लेन ही प्लेन चलते हैं। चलो 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 चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में। आप में से किसी फ्रेंड ने बोला था कि सुबह खाली पेट ना सबसे पहले एक कोई फ्रूट खाना बहुत अच्छा होता है, तो सुबह सुबह आजकल मैं खाली पेट एक एप्पल नहीं तो बनाना तो ले ही रही हूँ। बनाना मेरा डेली का है, और आजकल मैंने पपीता भी स्टार्ट किया है, तो वही पपीता जो अभिषेक लेके आए थे ना, मतलब मुझे पपीता बहुत पसंद है, इवन अमायरा को भी बहुत पसंद है पपीता। तो बस पपीता मैंने अपने लिए काटा है, अमायरा जब उठेगी अमायरा को दूंगी। तो बस सुबह सुबह मेरा पहले पपीता होगा, उसके बाद में फिर दिन की शुरुआत। Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer. Hi friends, good morning and welcome back. So आज है next day, Sunday morning, और मैं आ गई हूँ किचन में, बॉयल कर रही हूँ एग्स, साथ में बना रही हूँ एक सिंपल बैंगन की सब्जी, और बनाऊंगी लंच के लिए लेमन चिकन, वही मम्मी वाला, वो आजकल थोड़ा सबको पसंद आ रहा है, स्पेशली अमायरा ना उसको बहुत खुशी से खा रही है। केक फ्रेंडली रेसिपी है ना मोस्टली, इसमें कुछ मसाले नहीं है, सिर्फ कर्ड कर्ड ही यूज़ होगा, तो वही है। और जो लंबे वाले बैंगन होते हैं, पतले पतले लंबे वाले, वो मुझे अभिषेक हम दोनों को बहुत पसंद है, तो बस उसको बीच में से थोड़ा काट के मैं फ्राई फ्राई करके निकाल लूँगी, और फिर उसका एक प्याज टमाटर देकर हल्का सा मसाला, ज़्यादा वो भी बनाऊँगी, बट मैं ग्रीन चिलीज डालूँगी, थोड़ा सा तीखा बनाऊँगी इसको।
तो यही है। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ, करने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और कल होम सेंटर से मैं जो सामान लेके आई हूँ, हाँ वहाँ पे सेल तो चल रहा था, बट ना मैंने जो कंपेयर किया तो ऑनलाइन में ऑप्शंस भी ज़्यादा है, सेल आइटम्स में डिस्काउंट्स ऑनलाइन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो अगर आप लोग भी होम सेंटर देखना चाहते हैं, हाँ देखिए ज़रूर, बहुत सारा कुछ सामान आया है, बट ऑनलाइन से कंपेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि ना कुछ तो झोल गोलमाल है। ऑनलाइन में ज़्यादा ऑफर्स दे रहे हैं वो लोग एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो बस अभी मैं बताऊँगी यही है, और आज संडे है, मैं आपको फटाफट से सामान भी दिखाऊँगी मैं जो लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं अपने रूम का ना थोड़ा सा मेकओवर करने का सोच रही हूँ, दुर्गा पूजा में अगर पॉसिबल नहीं हुआ, दिवाली, क्योंकि दुर्गा पूजा को तब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, दिवाली के आसपास करूँगी, तो उसी के लिए थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ मैं, तो वही दिखाऊँगी मैं आपको। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं मिली है, वो फिर मैं वही सोच रही हूँ कि ऑनलाइन मंगा लूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर काट लिया है, ग्रीन चिली को स्लिट कर लिया है, और यहाँ पे जो वो लंबे वाले बैंगन है ना, उसको हाफ हाफ करके काट के थोड़ा नमक और हल्दी के साथ में फ्राई कर लिया है, और तब इसको निकाल के रख दूँगी, मसाले के साथ इसको बना के मिक्स करके रख दूँगी। तो इसमें जाएगा ड्राई स्पाइसेस में सिंपल नमक हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बिल्कुल ज़रा सा धनिया एंड जीरा पाउडर। तो ये फ्राई हो गया, इसको निकाल के इसका मसाला बना लूँगी। तो मसाले को अच्छे से कुक करके बैंगन को ऐड कर दिया है, अमचूर पाउडर डाला है थोड़ा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए, और नहीं तो अनारदाना पाउडर या थोड़ा ज़्यादा करके टमाटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और मिर्च काफ़ी सारा, थोड़ा सा शुगर, सब कुछ को बैलेंस करेगा वो फ्लेवर। और बस ये बन के रेडी है, ऊपर में थोड़ा सा घी, और ये रोटी नान पराठा किसी के साथ भी औसम लगता है खाने में। और कोशिश करना ऐसी सब्ज़ियाँ ना लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ना, टेस्ट अलग ही आता है, थोड़ा काला काला दिखता है ज़रूर, बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी यहाँ पे काट लिए मैंने प्याज, यहाँ पे चल रही है अभी लेमन चिकन की तैयारी। तो बस संडे का लंच मेनू, मैंने ये सब्ज़ी बना के रख दिया है, अगर इनकेस रात को लेट हो जाते हैं तो कम से कम रात को रोटी के साथ में ये सब्ज़ी खाया जाएगा। लेमन चिकन का रेसिपी जो है ना, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, बट मैं फिर से बता देती हूँ। हाफ के जी चिकन में उससे आधा दही, अगर चिकन हाफ है तो 250 ग्राम्स दही, और साथ में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इससे बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करके रख देंगे अराउंड हाफ एन आवर। फिर बस नॉर्मल प्याज में प्याज को फ्राई करना है, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी मैं मैरिनेशन करने के लिए रख देती हूँ हाफ एन आवर। लेमन चिकन में ना थोड़ा सा ग्रीन चिली ज़्यादा डाल के देखना, बहुत अच्छा लगता है। जिनको तीखा पसंद है उनके लिए तो ज़रूरी है ज़्यादा करके, जिनको तीखा नहीं पसंद है ना या कम खाते हैं, थोड़ा सा इसमें डालना, क्योंकि इसमें दही का खट्टापन भी रहेगा, थोड़ा सा शुगर भी डलता है ना, तो ग्रीन चिली से फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। तो बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका स्मूथ एक पेस्ट बना लूँगी मैं, और ये मैं पूरा ऐड करूँगी, बट पहले अमायरा के लिए निकाल के फिर इसको लास्ट में ऐड करूँगी। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, फ्राई करने के बाद में जो मैरिनेटेड चिकन है उसको ऐड करके मिक्स करने से पहले थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक डाल के मिक्स करूँगी। मैरिनेशन के टाइम पे नमक नहीं डाला था, तो बस अभी अंदाजे से नमक डाल देंगे, और अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर कवर कर दूँगी। दही में से पानी निकलेगा, उसी पानी में चिकन भी कुक होगा, फिर जब चिकन कुक हो जाएगा अराउंड 15-20 मिनट्स में चिकन कुक हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इसमें से जो पानी निकलेगा उसको रिड्यूस करके फिर नेक्स्ट स्टेप। तो लेमन चिकन अभी इस सिचुएशन तक पहुंचा है, पानी बहुत सारा निकला है, बस पानी को ड्राई करना है। बस ड्राई करने के बाद में इसमें जो मेन जाएगा वो है, गैस को ऑफ करने के बाद मैं अमायरा के लिए थोड़ा निकाल लूँगी। चिकन बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है, बस इसमें अब मेन जो जाएगा वो जाएगा ग्रीन चिली का पेस्ट, लेमन, बटर और ब्लैक पेपर थोड़ा सा। लेमन चिकन का मेन इन्ग्रीडियंट है लेमन, जो कि घर पर नहीं है, था मुझे इतना पता था कि लेमन फ्रिज में है, मैंने चेक किया तो मुझे अभिषेक ने भी बोला कि लेमन्स मैंने कल फ्रेश लाइम सोडा बनाने में यूज़ कर लिया है, तो बस मैंने उनको भेजा है, अभी वो लेमन लेके आएंगे, तो वो कोई बात नहीं, वो तो लास्ट में डलता है। चाहे अगर नहीं है ना तो आप विनीगर या एप्पल सीडर विनीगर, बट वो फ्लेवर तो नहीं आएगा। तो बस अब इसको अच्छे से पानी को ड्राई ड्राई करके अमायरा के लिए निकाल के बस लास्ट में वो सब ऐड कर दूंगी। तो लेमन चिकन बनके रेडी है, सॉल्ट ज़रूर चेक कर लेना एक बारी। इसमें बटर, थोड़ा सा शुगर, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया है अमायरा का निकाल के, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लास्ट में लेमन स्क्वीज़ करके लेमन चिकन बनके रेडी है।
सो गाइस देखिए ये वाला प्लांट कल मैं लेके आई थी वहां से होम सेंटर में ना ऐसे, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी सॉन्ग ऑफ इंडिया की तरह ही है। सॉन्ग ऑफ इंडिया में जैसे बीच बीच में से दो डबल शेड होता है ना स्पाइडर्स सॉन्ग ऑफ इंडिया के, वैसा ही है ये भी, बट ये एक ही कलर में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रीनरी सा है। मेटल के टिन वो जो मैं लेके आई थी बहुत पहले, एक प्लांट उसी के अंदर रख दिया है, ये ऐसे ब्लैक प्लास्टिक पॉट में है। और ये मुझे प्लांट वहाँ पे मिला जो है, ये इंडोर है, 300 रुपीस का प्लांट आया, बट प्लांट अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो और काफ़ी बुशी सा है, तो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने अपने रूम के टीवी यूनिट पे। तो ये कल लेके आई हूँ प्लांट, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ना कि वहाँ पे ऑनलाइन में ज़्यादा ऑप्शंस है, ऑफलाइन में उतने नहीं थे, मतलब सिलेक्टिव चीज़ें थी ऑफलाइन में, बाकी डिपेंड करता है। एक्चुअली जो होम सेंटर हमारे गुड़गांव में जो एनजी रोड पे है ना, उसके पास में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, मैंने यही सब जगह में जाके देखा। तो मुझे ना होम सेंटर एनजी रोड पे जो है वो अच्छा है, या फिर दिल्ली के एम्बियंस मॉल। बाकी एक ये लिया है, ये अमायरा ने लिया अपने रूम के लिए, ऐसे ये सिंपल डेकोरेशन के लिए, अंदर पिकॉक है, कुछ ऐसे स्नो का दिया हुआ है। तो ये अमायरा के जो बेड के पीछे में वो लगे हुए हैं ना, हाँ शेक करना पड़ता है अमायरा के बेड के पीछे, छोटे छोटे तीन शेल्फ्स बने हुए थे, बीच वाला शेल्फ खाली है, तो वो बोल रही कि मम्मा उसके लिए ये बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा है, बहुत सुंदर है ये ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी एक और चीज़, एक तो मैं वही वाला, एक बाकी तो और कुछ मैं, मेरे को खास मिला नहीं वहाँ पे। एक मैं ये लेके आई हूँ, सिंपल सा एक फ्लावर वेस है, ये अपने रूम में या डाइनिंग टेबल कहीं पे भी ना रख दो। तो इसमें एक रेड टोन में भी था, एक ये ब्लू टोन में था, तो ब्लू टोन वाला लाई हूँ। रेड टोन पहले, बहुत पहले मेरे पास एक होता था, मेरे से गिर के टूट गया था, तो ये मैं लाई हूँ। ये है 250 का, बहुत सुंदर है ये। और मैं लेके आई हूँ, आई गेस आप लोगों को पता लग ही गया होगा, मैंने वीडियो में शेयर किया था वो क्या चीज़ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट जो है ये लेके आई हूँ, लाई तो सोच के मैं हूँ अपने रूम के लिए, बट देखती हूँ कहाँ पे रखूँ इसको, कैसा है मुझे बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिस्काउंट में था, वहाँ पे 1600 का था, ये 1100, हाँ 1100 का कुछ नहीं, 1119 रुपीज़ का। बट ये बहुत सुंदर है, बहुत हैवी है, देखो कितना बड़ा है, पूरा मेरा फेस भी कवर हो रहा है, फेस के साइड का एरिया भी कवर हो रहा है, तो ये काफ़ी ह्यूज है। तो मेरे पास इसके अंदर के लिए कैंडल्स हैं, तो मैं वो लगा दूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भी मैं अपने रूम के लिए लेके आई हूँ, देखती हूँ बाकी तो रख के देखूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो मैं जस्ट चीज़ों को कलेक्ट कर रही हूँ, तो बस यही है गाइज, और कुछ नहीं लाई हूँ। बाकी वहाँ पे बहुत रश भी था और काफ़ी सामान आ रखा था, तो फिर देखती हूँ मैं एक बार, हमारा जो गुड़गांव का एमजी रोड है ना, वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे जाके मैं देखूँगी कि वहाँ पे क्या क्या है लेटेस्ट, फिर उसके बाद में आप लोगों से अच्छे से शेयर कर पाऊँगी जो भी अपडेटेड रूम का डेकोर होगा। तो चलिए गाइज, कौन सा आइटम आप लोगों को अच्छा लगा, ये अच्छा लगा या ये अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा बताना है, ये या ये, या फिर अमायरा का पिकॉक, और है ये प्लांटर, मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है। चलिए इस ब्लॉग को भी मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बस इतना ही, थोड़ा सा भी लंच वंच करके रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम लोगों को निकलना भी है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह में जाएंगे, काफ़ी टाइम बाद, मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में, तो वहाँ पर जाना दुर्गा पूजा के पहले तो बनता ही बनता है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, तो वो जाके ही पता चलेगा कितनी एक्साइटमेंट मेरा कामयाब होता है। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक टाटा, बाय बाय, सी यू सून गाइस।